जानकारी दी। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी अब लिहाजा पूरे जांच पड़ताल में इस मामले को लेकर जुट गई हैं। गेमिंग ऐप के जरिए धर्मांतरण का आरोप लगा है। कई राज्यों में खबर यह है कि पूरा नेक्सस चल रहा है, पूरा नेटवर्क फैला हुआ धर्मांतरण का। गाजियाबाद में धर्मांतरण के मामले को लेकर अब यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है यूपी पुलिस। इसकी जानकारी बकायदा गृह मंत्रालय को तक दी गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले की जांच में जुट गई हैं। उत्तराखंड का जिहादी खेल बेटियों पर काला साया बनकर मंडरा रहा है, लेकिन यूपी में इस गिरोह ने एक कदम आगे बढ़कर प्लानिंग की। अभी तक आपने लव जिहाद के केस या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले देखे होंगे, लेकिन अब बिल्कुल अलग तरह का मामला गाजियाबाद से सामने आया है। यहां पुलिस ने धर्मांतरण करवाने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए मस्जिद कमेटी के पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराने के लिए ब्रेन वॉश का जो तरीका अपनाया वो न सिर्फ बेहद शातिर है बल्कि चौंका देने वाला है। देखिए, 30 मई को थाना कविनगर क्षेत्र में बैलाफुस लाकर धर्मांतरण करने का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि बद्दू नाम की डिजिटल आइडेंटिटी थी। साथ ही साथ सेक्टर 23 जामा मस्जिद के एक मौलवी थे जिनका नाम सामने आया था। इसमें बद्दू की आइडेंटिटी हमने पता कर ली है और थाने मुंबई थाने महाराष्ट्र में हमारी एक टीम रवाना है इनकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर अब्दुल रहमान उर्फ नन्नी नाम के जो मौलवी की गिरफ्तारी हुई है, इससे पता लगा है कि पूर्व में यहाँ पे एक जैन और 3 हिंदू युवकों नाबालिग युवकों का धर्मांतरण प्रलोभन देके करा गया है। दरअसल जैन परिवार का एक लड़का हर रोज घर से जिम जाने के बहाने निकलता था और दिन में 5 बार नमाज के लिए मस्जिद पहुंचता था। हर रोज बेटा घंटों तक जिम के बहाने गायब रहता, तो परिवार को शक हुआ, पीछा किया तो मस्जिद में बेटे को नमाज पढ़ते देख कर पैरों तले जमीन खिसक गयी। बेटे से इस बारे में बात की तो पता चला कि वो एक शख्स के संपर्क में आया था जिसने ब्रेन वॉश कर उसे इस्लाम की तरफ मोड़ा और अब वो हर दिन 5 बार नमाज पढ़ता है। वो फोर्टनाइट नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पता लगा, जो कि एक गेमिंग ऐप है, जिसके माध्यम से जो कि टीनेजर हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़कों के बारे में पता लगा जो कि हिंदू लड़कों की आईडी बना के उसमें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। और जब वो मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जब वो जीत जाते हैं गेम, तो उनको आयतें पढ़वाई जाती हैं। उसके बाद एक मोबाइल एप्लीकेशन है डिस्कॉर्ड नाम का, जिसके माध्यम से चैटिंग करी जाती है और डॉक्टर जाकिर नायक के वीडियोस इनको दिखा के, जो कि प्रतिबंधित हैं, उनको धर्मांतरण के लिए इनको प्रलोभन दिया जाता है जी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की तो पता चला कि अब तक वो 3 नाबालिग बच्चों का ब्रेन वॉश कर चुका है। इसके लिए ये लोग बेहद शातिर तरीके से काम करते थे। धर्म परिवर्तन का शातिर फॉर्मूला 3 स्टेप में प्लानिंग की जाती थी। एक खास गेमिंग ऐप पर ढूंढते थे शिकार। गेम में हारने पर कुरान की आयतें पढ़नी होती थी, फिर गेम में जिताकर कुरान पर भरोसा पैदा करते। गेमिंग ऐप पर चैट के जरिए उकसाते थे। गाजियाबाद पुलिस ने एक आरोपी को धर दबोचा है, तो वहीं इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शहनवाज मकसूद की गिरफ्तारी के लिए एक टीम महाराष्ट्र भी रवाना हो चुकी है। साफ है कि धर्म परिवर्तन के जाल के इन नए जिहादियों पर शिकंजा कसना तय है। अभी भी बद्दों को पकड़ना है और बद्दों को पकड़ने के बाद ही और कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो सामने आएंगे, और जिसके साथ ही पूरे नेटवर्क को भी ध्वस्त कर जो भी सामने होगा, जो भी पीड़ित होंगे उनको सामने लाया जाएगा। साथ ही जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। अभी तक आपने लव जिहाद के केस या फिर लालच देकर धर्म परिवर्तन के मामले देखे होंगे, लेकिन अब एक बिल्कुल अलग तरह का मामला गाजियाबाद से सामने आया है। आप ये देख चुके हैं तस्वीरों के माध्यम से, और आपको अफगानिस्तान लिए चलते हैं और वहां की सच्चाई दिखाते हैं। दरअसल तालिबान राज में 2 स्कूलों की करीब 80 छात्राओं को जहर दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसा माना जाता है कि अगस्त 2021 में तालिबान शासन आने के बाद महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों और आजादी खत्म कर दी गई, लेकिन उन्हें जहर देने की अपने आप में पहली घटना सामने आई है। अफगानिस्तान के स्कूल में हुआ जहर का अटैक।
गोलियों और धमाकों से गूंजने वाले अफगानिस्तान में इस बार बच्चों को टारगेट किया गया है। यहां दो स्कूलों की करीब 80 छात्राओं को जहर दे दिया गया। अस्पताल में अब एक एक जान बचाने के लिए जद्दोजहद हो रही है। ये तालिबान का राज है जहां लड़कियों की तालीम से एतराज है। आखिर तालिबान की हुकूमत में वो होने लगा जिसका खतरा पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। अफगानिस्तान में इन बच्चियों की जिंदगी जाते जाते बची है। बहुत सी बच्चियों का लगातार इलाज चल रहा है। तालिबान के सरे पुल प्रांत में हुई इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सरे पुल प्रांत के संगचरक जिले में 2 स्कूलों की बच्चियों को जहर दे दिया गया। नस्वाए कबूद आप स्कूल में 60 बच्चियों की जिंदगी खतरे में पड़ गई तो नस्वाए फैजाबाद में 17 बच्चियों की जान आफत में आ गई। ये सभी बच्चियां प्राइमरी स्कूल की छात्राएं हैं। वाले दरसे वक्त के शागिर्द दर मकतब में रहा दो चार मसमूमियत शुदन हालत तहवा व नफस तंगी व सरगेशी व सरदर्दी برایشان پیش داده। इन बच्चियों की हालत अब खतरे से बाहर है, लेकिन सवाल है कि तालिबान के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है? क्या तालिबान फिर अपने उस रूप में वापस आ चुका है जो दुनिया ने 90 के दशक में देखा था? तालिबान के लोकल प्रशासन ने जांच तो शुरू कर दी है और अब ये कहा जा रहा है कि स्कूल में किसी ने आपसी मतभेद की वजह से ये साजिश रची ताकि स्कूलों को नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन ये बात दुनिया जानती है कि तालिबान लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के खिलाफ रहा है। तालिबान के पुराने राज में लड़कियों का स्कूल जाना बंद था। अब तालिबान की वापसी के बाद यूनिवर्सिटी में भी लड़कियों की पढ़ाई पर एतराज जताया जा रहा है। कुल मिलाकर तालिबान की महिला विरोधी सोच ऐसी घटनाओं की बुनियाद बन जाती है। तालिबान के राज में दुनिया ने अफगानिस्तान को तबाह होते देखा है, कई दशकों साल पीछे होते देखा है और इसकी वजह है तालिबान की कट्टर विचारधारा और उसकी आतंकी सोच जिसका सबसे बड़ा शिकार महिलाएं बनती आई हैं। विश्वविद्यालयों के दरवाजे उनके लिए बंद किए जा रहे हैं और अब स्कूल में भी उनका जाना मुश्किल हो रहा है। ये वो अफगानिस्तान नहीं जो वहां के लोग देखना चाहते हैं। सितंबर 2021 के बाद यानी तालिबान की वापसी के बाद 10 लाख से ज्यादा छात्राओं का स्कूल जाना बंद हो गया। अभी 80% अफगान छात्राओं यानी 25 लाख छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रही। यानी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और ये सुधरने की जगह और बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल हमेशा बंदूक के साए में रहता है तो सोचिए बाकी अफगानिस्तान का हाल क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद अमेरिका और बाकी देशों ने यह उम्मीद की थी कि अब अफगानिस्तान में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर पाबंदी नहीं लगेगी, लेकिन तालिबान के अंदर ही यानी उसकी हुकूमत चलाने वाले लगातार बच्चियों के स्कूल जाने पर भी रोक लगाने की मांग करते रहे हैं। काबुल से कंधार और हेरात से लेकर मजार शरीफ हर जगह लोगों ने तालिबान का जुल्म देखा है और अब तालिबान का मौजूदा रवैया साबित करता है कि एक बार फिर वो 90 के दशक वाला जुल्म शुरू करने जा रहा है। और भरतपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां पर साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए 2 राज्यों की पुलिस लगातार धरपकड़ कर रही है, दबिश दे रही है। कई इलाकों में बताया जा रहा है मेवात में दबिश चल रही है। पंजाब और छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। कामा और जोरहरा थाना इलाके में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ छत्तीसगढ़ और पंजाब पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर भरतपुर से जहां पर साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए दबिश जारी है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपक,
ये साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए दो राज्यों की पुलिस की तरफ से दबिश कौन कौन से इलाके? देखिए कामा इलाके का जो इलाका है, जो रहरा और कामा के आसपास का जो इलाका है, वहां पर ये दबिश दी जा रही है। दो राज्यों की पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, जिसमें पंजाब और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसके द्वारा लगातार जो साइबर ठग है उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। और वहाँ की जो स्थानीय पुलिस है वो भी साथ में मौजूद है वहां पर। और चुरैरा का गावड़ी इलाका है और कामा के पास में एक गाँव है वहां पर, जहाँ ये ऑनलाइन ठग जो है इस वारदात को अंजाम देते हैं, वहां पर ये दबिश दी जा रही है। और कल भी दो साथी साइबर ठगों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। और आज जैसे ही गिरफ्तारी की सूचना मिली तो पंजाब के अम्बाला की पुलिस और छत्तीसगढ़ की पुलिस वहां पहुंची है और लगातार जो अन्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तारी के जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। लगातार जो टीम है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। और साहित तो कोई खास इनपुट मिला होगा, इसीलिए छत्तीसगढ़ और पंजाब पुलिस यहां पहुंची है और साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए दबिश दी जा रही है। कितने घंटे से दबिश चल रही है? देखिए कल जो दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया था उनसे पूछताछ की गई थी और उसी आधार पर जो ये ऑपरेशन है वो अब चलाया जा रहा है और सुबह से ही ये दबिश दी जा रही है। और उनका कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की जो सफलता है वो नहीं मिलेगी, जब तक ये लगातार दबिश जारी रहेगी। दोनों राज्यों के साथ जो राज्यों की पुलिस है उसके साथ वहां की जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौजूद है और अलग अलग जो खुफिया इनकी जो जानकारी है उनके आधार पर जो दबिश है वो दी जा रही है। और संभवतः उनका कहना है कि जल्द ही एक बड़ी सफलता जो है वो हाथ लगेगी और उसके बाद क्या माना जाए, यहाँ से बड़े नेटवर्क का भी खुलासा हो सकता है? देखिए बिल्कुल, ये जो साइबर ठग है बड़ी बड़ी ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जहां दूसरे राज्य की पुलिस मेवात के इलाके में आकर के दबिश ना देती हो। रोज जो अन्य राज्यों की पुलिस है वो आती है वहां पर और दबिश देती है और कई बार ऐसा भी होता है कि जो पुलिस आती है उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। जो साइबर ठगों के जो लोग होते हैं वो पुलिस को के साथ मारपीट कर देते हैं, कई बार इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिले हैं। लेकिन अब ये राज्यों की पुलिस है पंजाब और छत्तीसगढ़ बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया दीपक। देखिए छत्तीसगढ़ और पंजाब पुलिस की जो टीम है, जो पुलिस टीम है वो मेवात इलाके में इस वक्त साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है। कल जो साइबर ठग पकड़े गए थे उनके इनपुट के आधार पर माना जा रहा है बड़े नेटवर्क का खुलासा यहां पर हो सकता है। और देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफास्ट लॉरेंस ने किया है उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को भी जाहिर कर दिया है। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा पर्दाफाश, एक कबूलनामे से मचा हड़कंप। देश के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। एनआईए की पूछताछ में जो राजफाश लॉरेंस ने किया है उसमें उसने फ्यूचर प्लान के साथ अपने खतरनाक इरादों को जाहिर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से एनआईए पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नंबर वन टारगेट के बारे में तो बताया है, साथ ही पूछताछ में सुरक्षा एजेंसियों को अतीक और अशरफ मर्डर पर भी बड़ा क्लू मिला है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने खुलासा किया है कि उसने साल 2021 में गोल्डी बरार के जरिए अमेरिका से दो जिगाना पिस्टल गैंगस्टर गोगी को मुहैया कराई थी। अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में भी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अमेरिका से आई इसी जिगाना पिस्टल से अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी। इतना ही नहीं, लॉरेंस ने एनआईए के सामने जैसे जैसे अपने मंसूबों को उजागर किया वैसे वैसे एनआईए अधिकारियों के भी होश उड़ गए। लॉरेंस ने पूछताछ में अपने टॉप 10 टारगेट के नाम भी उजागर कर दिए हैं। लॉरेंस की टारगेट लिस्ट में पहले नंबर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है और एनआईए से हुए सवाल जवाब में उसने यहां तक ऐलान कर दिया कि वो उसे हर हाल में मौत के घाट उतारेगा। ऐसा शक इसलिए भी गहरा जाता है क्योंकि पिछले एक साल में सलमान को कई बार धमकी दी जा चुकी है और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले भी सलमान खान को धमकी देने के मामले में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आता रहा है। एनआईए सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 इंडिया के पास लॉरेंस बिश्नोई का जो कबूलनामा है उसमें एक्टर सलमान खान, मूसेवाला के मैनेजर शगुनप्रीत, बम्बिया गैंग का लीडर मनदीप धालीवाल,
गैंगस्टर कौशल चौधरी, गैंगस्टर अमित डागर, बम्बिया गैंग का एक और गैंगस्टर लकी पटियाला, गोंडर गैंग का कुर्गा रम्मी मसाना, गोंडर गैंग का सरगना गुरप्रीत शेखो, शूटर भोलू, सनी लेफ्टी और अनिल लट शामिल है। एनआईए की पूछताछ में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेन बिश्नोई का हवाला कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में लॉरेन बिश्नोई ने खुलासा किया है कि उसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम देने के लिए हवाला के जरिए गोल्डी बरार तक 50 लाख रुपए पहुंचाए थे। बिश्नोई से पूछताछ में पर्दाफाश हुआ कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या का एक बाहुबली विकास सिंह उसके गैंग की मदद करता है, वही उसके गुर्गों को टास्क पूरा करने के बाद विकास सिंह उसे पनाह देता है। एनआईए से पूछताछ में भले ही लॉरेंस ने पर्दाफाश किया हो, लेकिन उसके सामने इन्हें कोर्ट में साबित करना बड़ी चुनौती होगी। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तभी एडमिसिबल होता है एविडेंस में जब उस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कोई ऐसा फैक्ट रिकवर होता है जो पहले से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नॉलेज में नहीं था। अदरवाइज डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो पुलिस कस्टडी में दिया जाता है अंडर सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी, इसकी कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं है। वहीं साल 2018 से लेकर 2022 के बीच लॉरेंस ने यूपी के खोरजा से अपने करीबी गैंगस्टर रोहित चौधरी की मदद से आर्म सप्लायर कुर्बान चौधरी और शहजाद से करीब 2 करोड़ रुपए में 25 हथियार खरीदे थे, जिसमें 9mm की पिस्तौल और AK-47 शामिल है। इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल उसने सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में किया था। लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने ये भी कबूल किया कि भरतपुर, फरीदकोट और दूसरी जेलों में रहते हुए उसने कभी राजस्थान के कारोबारियों, कभी चंडीगढ़ के 10 क्लब मालिकों, कभी अम्बाला में मॉल के मालिक शराब कारोबारियों, तो कभी दिल्ली और पंजाब के सटोरियों से करोड़ों रुपए की उगाही की थी। जेल में इन सभी के फोन नंबर लॉरेंस को गोल्डी बरार, काला राणा, चंडीगढ़ के क्लब मालिकों के गुरलाल बरार और काला जठेड़ी ने मुहैया करवाए थे। कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी